हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, मैरी क्रिसमस। तो गाइस, आज आपको मैं क्रिसमस के प्लांट्स आपसे शेयर करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, और आप कहां से सस्ते प्लांट्स इस तरह के बाय कर सकते हैं जो कि अभी चल रहा है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक्स के क्रिसमस ट्रीज बाय करते हैं, बट आप उनको अवॉइड कीजिए और इस तरह के ओरिजिनल प्लांट्स जो कि आप सालों साल तक इनका मज़ा ले सकते हैं और सस्ते, मतलब प्लास्टिक से भी सस्ते प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और कहां से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। आप इनको कॉल कर सकते हैं और यहां आके इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स इस तरह के बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर लगभग 100-100 रुपये में आप बाई कर सकते हैं। जो प्लास्टिक का जो इस तरह का अगर ट्री आप बाई करते हैं तो लगभग आपको पे करना पड़ता है 400-500 रुपये से ऊपर पे करना पड़ता है। बट आप अगर प्रिया नर्सरी आते हैं तो इस तरह के प्लांट्स आपको 100 रुपीस में मिल जाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सस्ते प्लांट्स मैंने शेयर किए हुए हैं। तो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज आपको मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब क्रिसमस आ रहा है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं गोल्डन साइप्रस, और ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन साइप्रस। तो दो वैरायटी होती है और ये मोर पंखी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है दोनों के दोनों। बस आपको मेंटेन करना होता है, बस आपको मई जून की जो गर्मी होती है उससे आपको इस प्लांट्स को आपको बचाना होता है, और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाले प्लांट्स हैं। आप किसी भी गमले में आप इसे लगा सकते हैं, बट अगर आप इसे बड़े गमले में लगाते हैं तो जो आपका साइज़ है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गमले का साइज़ छोटा होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी। बट आपको कोशिश करना है कि जो जितने भी बड़े गमले हों, लगभग 14 इंच के गमले में आप लगाइए तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, और जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं इसके। आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है गोल्डन साइप्रस हो, या फिर अगर मैं बात करूँ मोर पंखी की, तो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। तो गाइस, जो उसके लीफ होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह के प्लांट्स, और ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन साइप्रस है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो वैसा नहीं है। तो लगभग 3-4 फीट का प्लांट है ये। ये देखिए, ये करीबन 3 फीट के आसपास का प्लांट है और काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी घना सा है, काफ़ी सारे नए लीफ बन रहे हैं इसके। तो इस तरह के प्लांट्स आप न्यू ईयर में आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और प्राइसिंग बहुत रिजनेबल होती है इसकी। ये लगभग आपको 175 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत ही आराम से ग्रो करता रहता है। बस अगर इसके जो मिट्टी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको इसमें 60% गार्डन सॉयल रख लीजिए, और बाकी आप 20% इसमें आप मिक्स कर सकते हैं, गाय की गोबर की खाद कर लीजिए, बर्मी कंपोस्ट कर लीजिए, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं जो है, और 10% आप इसमें सैंड मिक्स कर लीजिए। बहुत आसानी से ग्रो करता है, कुछ नहीं होता और बहुत ही हार्डी प्लांट है, जिसे हम बोलते हैं मोर पंखी के नाम से बहुत जाना जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो इस तरह के प्लांट्स आप ट्राई कीजिए क्रिसमस में। प्राइस की अगर बात करूं तो लगभग आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़ इसके लिए, और बहुत ही मोटा प्लांट है। और ये देखिए, और हाइट लगभग 1 फीट के आसपास का है, 1-2 फीट के, 1.5 फीट के आसपास का ये प्लांट है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इस जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप क्रिसमस में आप बाय करना चाहते हैं तो प्रिया नर्सरी आके आप इस तरह के प्लांट्स आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वो है एरोकेरिया का। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इतने सारे जो प्लांट हैं वो एरोकेरिया के हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। लगभग 100 रुपये में एरोकेरिया मिल जाएगा आपको, और ये एक तरह का बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप एक बार अगर आप बाई कर लेते हैं, अगर आप पॉट में भी रखते हैं तो लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है ये प्लांट। इस प्लांट्स को कुछ नहीं होता। मेरे पास एक प्लांट है एरोकेरिया का जो कि लगभग 3 साल से मेरे साथ है, अच्छी खासी ग्रोथ रहती है हर समय, बस थोड़ा बहुत आपको खाद वगैरह का मेंटेन करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है ये प्लांट। अगर आपके कलेक्शन में ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर बाय कीजिएगा ये प्लांट, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। तो गाइज, जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं ये एरोकेरिया के हैं, और
अच्छा खासा ग्रोथ है आपको। मैं एक काफी बड़ा प्लांट दिखाता हूँ जो लगभग लगभग 6 फीट से ऊपर, नहीं लगभग 5 फीट के आसपास का ये प्लांट है। ये देखिए और कितनी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, ये देखिए इसकी फॉर्मेशन देखिए। और एक प्लांट के पहले मैं आपको साइज दिखाता हूँ, आप साइज देख के आप डर जाएंगे कितना बड़ा प्लांट है और कितने सारे नए नए लीव्स इसमें बन रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा प्लांट है, लगभग 4 से 4.5 फीट का ये प्लांट है और पूरा गमला भरा हुआ है। और स्टेम साइज देखिए आप इसके, बहुत ही अच्छा है। और ये एक प्लांट और है, लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का प्लांट है ये, और कुछ इस तरह का है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। क्रिसमस का टाइम है और अगर आपने इस तरह के प्लांट्स आप बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर 100 रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं इतने बड़े पॉट्स के साथ। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं और आप गमलों के साइज़ देख लीजिए, लगभग 12 इंच का पॉट है। ये देखिए और एक बार अगर आप बाय कर लेते हैं इस तरह के प्लांट्स तो कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है, ये वाला प्लांट बहुत प्यारा है क्योंकि ये बहुत, इसका स्टेम साइज देखिए बहुत ही थिक है और नए नए लीव्स इस पे बन रहे हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं इस तरह के प्लांट्स। मेरे पास है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिया नर्सरी आके 100 रुपीज़ में इस तरह के प्लांट्स बाय कर सकते हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ हैं। जनरली इसकी जो प्राइसिंग होती है लगभग 300, 400, 500 रुपए तक लोग इससे चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ में इस तरह के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।